कि बिलाईगढ़ स्थित पवनी से खजरी जाने वाला रास्ता इतना जर्जर हो गया है कि इस पर वाहन चलाना किसी जोखिम से भरा नहीं है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ग्रामीणों की माने तो 5 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन न दो वक्त पर मेंटेनेंस हुआ, ना तो वक्त पर मेंटेनेंस हुआ और ना ही दोबारा निर्माण किया गया। इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन किसी को ध्यान देने की फुर्सत तक नहीं है। मैं हमेशा मैं आना जाना करता हूँ बच्चे लोग को छोड़ने के लिए और लेने भी जाना करता हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा ही खराब है, इसको बनाना बहुत जरूरी है। और गड्ढा है, कितना कितना बड़ा गड्ढा है? तो बहुत है और हर जगह ही गड्ढा मिले। शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते, हम विद्यार्थी लोगों को बहुत दिक्कत पहुँचता है और यहाँ बड़े बड़ा बहुत गड्ढा है। और कितने स्टूडेंट आते हैं लगभग यहाँ? कम से कम 200-250 लोग आते हैं खजरी रामपुर से, रामतला से। कहाँ जाते पढ़ने के? पवनी। लेन देन तालुका थावा पवनी से, जहाँ जाना मेडिसिन वगैरह भी लेना है पवनी जाना पड़ते हैं। और आज हम बहुत दिक्कत होते हैं, और तो बरसात जैसे लगा थे रोड, अभी भी 2 दिन के बाद वर्षा में बहुत रात के समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होते, साइड जगह जगह नहीं रहे, गाड़ी में अगला आते तक बहुत दिक्कत होती। तो बिलाईगढ़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 5 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन 5 साल के भीतर ये सड़क जब उखड़ने लगी तो बड़ा सवाल ये कि ना ही मेंटेनेंस की ओर इस ओर ध्यान दिया गया, ना जिम्मेदार अधिकारी जो समय समय पर इसका निरीक्षण करने के लिए जिन्हें पहुंचना चाहिए था वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर यही उठ रहा है कि कब तक अधिकारी या जो जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि हो अधिकारी हो, सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कब तक ये आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है और खामियाजा वहां से निकलने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल जाने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो बड़े जोखिम में भरी जान लेकर वहां से आना जाना कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार उनकी आंखें बंद हैं क्योंकि उन्हें ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। वहां से आना जाना शायद उनका कभी नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो शायद ये सड़कों के हाल नजर नहीं आते हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले जब इस सड़क का निर्माण हुआ था उसके बाद ना ही मेंटेनेंस की ओर इस पर ध्यान दिया गया और ना ही समय समय पर जो निरीक्षण होना चाहिए कि सड़क कैसी है, उस पर जाने वाले लोग कैसी परेशानी उठा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महेश्वर साहू जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो वहां के ग्रामीण है, उनसे जान लेते हैं कि कितनी परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है वहां से गुजरने में। जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, बताएं। जी कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ती है सड़क पर गुजरने के बाद? बहुत बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है मैडम। उस रास्ते में ऐसा स्थिति हो गया है कि कोई अगर एकाध बच्चे गिर जाए तो हम उसको मछली जैसे पकड़ते ना, वैसे हमको मछली जैसे उस बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। इतना गड्ढा हो गया, इतना पानी भरे हैं, धूल इतना होता है, अगर आज तो बारिश है, बारिश ना हो तो धूल से इतना भरा रहता है, उस रास्ते में चलना दुभर है। वहां से 15 से 20 गाँव के बच्चे स्कूल जाते हैं मैडम, तब भी बहुत ज्यादा। और खराब इसलिए हुआ कि उसका स्थानीय लोकल ठेकेदार को काम मिला था, काम जितना होना था उससे 10% ही काम किया। बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो जग जाहिर कर देने वाली हैं। जाहिर है कि कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी आपको जाने में, लेकिन क्या लिखित में कोई शिकायत करने की कोशिश आप ग्रामीणों द्वारा की गई? हमने जिला को, कार्यालय को किया है मैडम, हमने जिला अभियंता को, प्रधानमंत्री जिला अभियंता को हमने शिकायत किया, तो मैं स्वतः जाके उनको लिखित में शिकायत दिया हूँ, तब भी देखेंगे कार्रवाई करेंगे, बस ऐसा ही आश्वासन दी गई है। तो निरीक्षण करने के लिए पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया मैडम, कोई निरीक्षण करने नहीं आया, ना लोकल में आया, नहीं जिला में। हमारा जिला ब्लॉजर पड़ता है, नहीं कोई ब्लॉजर से कोई अभियंता और उनके नहीं कोई सहायक अभियंता, किसी के द्वारा कोई जांच की गई है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी परेशानी हमारे माध्यम से उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए कि कम से कम अगर उनका अब तक ध्यान नहीं गया है तो इन तस्वीरों को देखने बाद कम से कम वो जिम्मेदार जाग उठे और इस सड़क निर्माण के प्रति अपनी फिक्र या अपने जिम्मेदारी को समझ पाए। खबर सिंगरौली से, जहां सिंगरौली में अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर